बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरी जायका। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ दो तरह की बर्गर की रेसिपी। जी हाँ, नॉन वेज और वेज रेसिपी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वेज बर्गर की रेसिपी बताती हूँ। उसके लिए मैंने दो बॉयल मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, और उसके बाद मैंने ले लिया है रात भर सोख करके रखा हुआ मटर, ग्रीन मटर। यदि आपके पास फ्रेश मटर है या फिर फ्रोजन मटर है तो आप उसे ले सकते हैं। इसे उसके बाद मैं बॉईल कर ली थी मटर को, और उसके बाद मैं इसमें एक कटोरी मटर लिया है मैंने। ये ग्रेटेड एक जो है गाजर मीडियम साइज का, उसे ग्रेट करके ले लिया है कद्दूकस करके। और ये जो है मैं बीन्स ले रही हूँ, फ्रेंच बीन्स। ये दो फ्रेंच बीन्स में से मैंने पतला पतला कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ना डालें, यदि आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें, ये ऑप्शनल है। तो उसके बाद इसे आप फॉर्क की हेल्प से या फिर आप अपने हाथों के हेल्प से, जिससे भी आप इसे मैश करना चाहते हैं, इसे मैश कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद एक चम्मच मैंने नमक डाला, एक चम्मच हल्दी डाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं। 3 चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स डाला हुआ है। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है। 3 से 4 जो है ब्रेड क्रम्स आप ग्राइंडर में डालिए, मिक्सी के ग्राइंडर में। उसके ब्राउन पोर्शन को निकाल दीजिए और उसे ग्राइंड कर दीजिए। बन गए आपके ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो थोड़ा सा उसे रोस्ट कर सकते हैं रोटी के तवे पे। आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप इसे मैश कर सकते हैं। आपके पास यदि पोटैटो मैशर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से ग्लास से, आप ग्लास के हेल्प से इस तरह से मैश कर सकते हो। और अब मैं इसमें जो है एक मीडियम साइज का प्याज जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ, और लास्ट में मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी। हाथों से मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ पाता है, फील हो पाता है कि कितना ये मिक्स हुआ है। अब एक डोंगा ले लें आप, और उसके बाद जो है इसमें एक कटोरी जो है वो चिकन ले लें, जो कि ग्राइंडेड चिकन हो, पूरा छोटा छोटा पीस कर कर आप इसे ग्राइंड कर लें मिक्सी में। और उसके बाद जो है एक मीडियम साइज का जो है वो मैं प्याज चॉप कर कर ले लूँगी। एक मीडियम साइज की हरी जो मिर्ची है उसे चॉप करके ले रही हूँ। उसके बाद मैं नमक 1 चम्मच डाला मैंने, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, आधा अंडा आप इसे ग्राइंड करके डाल सकते हैं इसमें मिक्स करके। और ये मैं सत्तू डाल रही हूँ, सत्तू मैंने 2 चम्मच डाला है, 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हो। ये ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ मैं, ये भी 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हो। उसके बाद इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। पर्पज़ ये होना चाहिए कि इसे थोड़ा सा क्रंची हम लोगों को बनाना है, तो थोड़ा सा हम लोगों को कॉर्नफ्लावर भी डालना है इसमें, तो 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दे रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें, आपको टोटल जो है लहसुन अदरक 4 टीस्पून जो है वो डालना है, क्योंकि आप इसमें नॉन वेज डाले हुए हो तो नॉन वेज में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए आपको 4 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक लगेंगे। अब जो है हम लोगों को इसके टिक्की बना लेना है। तो टिक्की का जो साइज है ना वो बर्गर बन के साइज का होना चाहिए, ना कि छोटा होना चाहिए ना कि बड़ा होना चाहिए। साइज में रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल होगा। तो हम लोग साइज मेजर करके बनाएंगे, ठीक है ना। उसी के साइज का हम लोगों को टिक्की जो है वो रेडी करना होगा। तो हम लोगों ने टिक्की जो है वो रेडी कर ली है, और हम लोग को इसे फ्राई करने के लिए पैन चढ़ाना होगा फ्लेम में। तो जैसे ही पैन जो है वो गर्म हो जाए हम लोगों को ऑयल डाल देना है, और ऑयल जो है वो इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही हम लोग टिक्की डालें वो फ्राई होकर ऊपर आ जाए। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम लोग एक कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने एक बॉल जो है वो कॉर्नफ्लावर डाला है, आप वो चावल का आटा भी डाल सकते हो, और आधी कटोरी मैंने मैदा डाला है, और इसमें मैं 1.25 कटोरी लगभग मैं पानी ऐड करूँगी। इसका जो है एक स्मूथ सॉल्यूशन हम लोगों को बना लेना है। इसकी थिकनेस जो है इतनी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए कि यदि हम लोग स्पून के हेल्प से यदि हम लोग ऊपर से नीचे गिराएं तो ना गिरे। देखिए इस तरह से बहुत इजीली, और बहुत पतला भी ना बनाएं। अब जो है हम लोग इस टिक्की को बारी बारी से जो है इसमें डिप करेंगे इस कोट में, और उसके बाद सेकेंड बार उसे फिर से हम लोग कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। हम लोग उसे प्रेस करते हुए उसे अच्छे से कोट कर लेना है, ये देखिए, और दोनों साइड से कोट कर लेना है। और अब जो है इसे हम लोग को फ्राई करना है, लेकिन हम लोग को फ्राई करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि हम लोगों का जो ऑयल है वो गर्म हुआ है या नहीं। तो हम लोग थोड़ा सा छोटा सा हम लोग डालेंगे इसमें
पेस्ट जो है थोड़ा सा डालेंगे, तो पेस्ट जो है बहुत देर तक तेल के नीचे ही रह गया है, तो हम लोगों का ऑयल जो है वो गर्म नहीं हुआ है, तो हम लोग फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। हम लोगों का जैसे ही पेस्ट हम लोग डालें तो वो फटाक से ऊपर आ जाना चाहिए, इट मीन्स ये गर्म हो चुका है, सफिशेंट है हम लोग की टिक्की फ्राई करने के लिए। तो हम लोगों ने डाल दिया है इस तरह से। तो पहले मैं वेज वाला जो है वो फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। हम लोगों को बिल्कुल ब्राउन टाइप में, बिल्कुल रेडिश ब्राउन वाला जो कलर है ना वो आ जाना चाहिए फ्राई करते वक्त। यदि इस तरह आ गया है कलर तो इसे आप निकाल लें। आप जब इसे निकालें तो निकाल कर आप ऐसे चीज़ों में रखें, इस तरह के चीज़ में रखें जो नेट का बना हो, जैसे मेटल नेट हो या ऐसा कुछ हो, या इस तरह का चीज़, इस तरह की चीज़ों में आप रखें ताकि जो है उसमें चारों तरफ से हवा लग सके तो वो क्रंची हो पाए। यदि आप एक के प्लेन सरफेस पे आप रखोगे ना तो क्या होगा कि उस साइड का सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने का चांसेस है। लोगों ने अभी तक वेज वाली सारी टिक्की जो है वो फ्राई कर लिया है, और अब जो है हम लोग नॉनवेज वाली फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से मैं आपको फर्स्ट वाले में बताई थी, यानी कि वेज वाले में बताई थी, बिल्कुल उसी तरह से नॉनवेज वाली को भी कोट करना है। इसी तरह से बिल्कुल जैसे देख रहे हैं आप, दोनों साइड से मैं पलट कर इसे हाथों से प्रेस कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स को मैं चाह रही हूँ कि पूरी तरह से अंदर अंदर घुस जाए, उस तरह से कर कर आपको इसे फ्राई कर लेना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको करना है दोनों टिक्की के साथ में। और जब ये रेड कलर, रेड ब्राउनिश का कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लो, बिल्कुल उसी तरह से नेट मेटल में आपको निकाल लेना है। अब जो है ये बर्गर बन जो है इसे आपको नाइफ से कट कर लेना है, अच्छे से केयरफुली कट करें। और एक पैन लो आप, उसमें एक चम्मच जो है बटर डाल दें, और उसके बाद जो है ये जो कटे हुए बर्गर बन है वो दोनों को डाल दें उसमें, और हल्का सा हम लोगों को उसको हल्का सा टॉस करना है। और उसके बाद जो है इसे हम लोगों को अब रेडी करना है इसका सॉस। तो जो बर्गर सॉस है बहुत इजी है बनाना, ये मैंने होममेड मेयोनीज डाला है, आप चाहे तो मार्केट से भी मेयोनीज ला सकते हैं। मेयोनीज जो है आधी कटोरी मैंने लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कटोरी जो है टोमेटो सॉस, और 1/4 कटोरी जो है वो हॉट रेड चिली सॉस जो आता है ना वो ऐड कर दी हूँ मैं। और ये टोटल अब मिक्स होके ये बहुत ही अच्छा सा सफिशेंट सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया है, सॉस बनकर रेडी हो गया है बर्गर सॉस। तो इसे हम लोगों को अप्लाई कर देना है बर्गर के टॉप वाले बन में, और उसके बाद जो है इसमें टोमेटो का स्लाइस डाल देना है, प्याज का स्लाइस डाल दें आप, और उसमें जो है लेटस वाला जो लीफ है वो डाल दें। यदि आपके पास ये लीफ नहीं है ना तो बिल्कुल आप वरीड ना, इससे ना टेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। उसके ऊपर से आपको डालना क्या है, वेज वाला जो टिक्का आपने रेडी करा था वो आप डाल दें, और उसके ऊपर से थोड़ा सा सॉस डालकर बर्न का जो बेस है उसे डालकर उसे पलट दें। बिल्कुल ये बनकर रेडी हो गया, वेज बर्गर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोगों को नॉनवेज जो बर्गर है वो हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है हम लोगों को। इसमें हम लोगों ने सॉस डाला और टोमेटो स्लाइस डाला, ऑनियन स्लाइस डाला, लेटस लीफ डाल दें, और उसके बाद जो है छोटा थोड़ा सा सॉस डालें और थोड़ा सा टिक्की डाल दें। टिक्की की जगह पे आपको जो है नॉनवेज टिक्की डालना है, और उसके बाद थोड़ा सा सॉस डालें, और उसके बाद बन डाल दें बेस वाला, और बनकर रेडी हो गया हमारा नॉनवेज बर्गर। और जो सॉस हम लोग डालते हैं बीच बीच में वो बाइंडिंग का काम करता है, सबको आपस में जोड़कर रखता है, और फ्लेवर भी उससे बढ़कर आता है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, मोबाइल को खड़ा करें और मेरे वीडियो के नीचे में जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ये बहुत ही आसान से सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि मेरी वीडियो जो है आपके मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिकली चली जाती है, और जब आप फ्री होते हो तब तो आप उसे आसानी से देख सकते हो। तो यदि आपको मेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।